विशेष में आगे बात होगी। सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चूरू जिले के सादुलपुर तहसील से राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का 12 सितंबर 2022 को शुभारंभ किया था। उसके बाद से खिलाड़ियों में खासा उत्साह है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के दूसरे चरण में मैदान में रौनक खूब देखने को मिल रही है। देखिए, चूरू जिले में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल के द्वितीय चरण के खेलों के शुभारंभ के साथ ही ग्रामीण खिलाड़ियों में खेलों को लेकर काफी उत्साह है। खिलाड़ी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर रहे हैं। ग्रामीण खेलों में बच्चे ही नहीं, बुजुर्गों ने भी भाग लिया। उत्साहित खिलाड़ी कह रहे हैं कि हम हमारे जिले के लिए ही नहीं देश के लिए खेलने को तैयार हैं। अगर सरकार ने इस तरीके से हमें मौका और सहयोग दिया तो वो दिन भी दूर नहीं जब हम अंतर्राष्ट्रीय मैदानों में देश का परचम लहराएंगे। हम ऐसे ही आगे ले जाते जाएंगे स्टेट नेशनल तक और हमारे गांव की हर साल ऐसे जाते हैं बच्चे। लिए खेला ना सपनों ये देश के लिए गोल्ड मेडल लाएंगे। ब्लॉक स्तरीय ओलंपिक खेलों में अधिकारी भी खेल मैदान में पहुंचकर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर राज्य में हो रहे राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक्स खेलों के अंतर्गत 12 से 15 सितंबर तक होने वाले ब्लॉक स्तरीय टूर्नामेंट में 1252 टीमों का गठन किया गया। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहा के अनुसार कबड्डी में 406, शूटिंग वॉलीबॉल में 139, टेनिस बॉल क्रिकेट में 290, खो खो में 195, वॉलीबॉल में 168 और हॉकी में 54 टीमों का गठन हुआ है। मुख्यमंत्री के मंशा के मुताबिक खेलों के लिए बजट भी सरकार ने दिल खोल कर दिया है, मगर स्थानीय स्तर पर कई जगह व्यवस्थाओं में खामियां भी दिखाई दी। खिलाड़ियों को समय पर भोजन नहीं मिलने से खिलाड़ियों में आक्रोश भी देखने को मिला। बिदासर के राजेंद्र सुरेंद्र चौरडिया स्टेडियम में ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण खेल प्रतियोगिता का कार्यक्रम में खिलाड़ियों ने बताया कि सुबह 8 बजे खेल प्रतियोगिता शुरू हो गई थी, लेकिन 2 घंटे तक पीने के पानी का इंतजार करते रहे। उसके बाद पानी की व्यवस्था हो पाई, खाने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण अफरा तफरी का माहौल था। सैकड़ों खिलाड़ी खाने से वंचित रह गए, जिसको लेकर खिलाड़ियों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। ओलंपिक खेलने के लिए आए लेकिन यहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं है, ना ही पानी की है ना ही खाने की है, और धूप भी बहुत है, हमें चक्कर भी आ रहे हैं। कहा गया कि यहाँ पर सारी व्यवस्था है चाय और सबकी खाने पीने की, इसलिए हम कुछ भी हमारे साथ नहीं लाए, कुकर मनी भी नहीं लाए। यहाँ पे पहले रोटी आ गई थी तो फिर सब्जी नहीं आई, थोड़ी सी आधे कार्टून तो रोटी आई, और हम क्या करें, हमारी हालत खराब हो रखी है। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी संदीप व्यास ने बताया कि हमारी ओर से ग्राउंड और खिलाड़ियों की ड्रेस व्यवस्था थी जो पर्याप्त थी। खाने पीने संबंधित व्यवस्था पंचायत समितियों द्वारा कराई गई। पानी और खाने की ये व्यवस्था है पंचायत भी आज वाकई है, श्रीमान विकास अधिकारी को दी गई थी, उनका बजट आवंटित किया गया है। हमारा शिक्षा विभाग केवल खेल मैदान में रेफरी, एम्पायर, स्कोरर, रनर, राइडर, इन सब की व्यवस्था के लिए। बहरहाल राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक को लेकर सरकार और खिलाड़ी दोनों एक्टिव हैं। नतीजा चाहे जो हो, मकसद नेक है। गोपाल कंवर, जी मीडिया, चूरू।